नमस्कार दोस्तों, नई टैक्स रिजीम के प्रति भारत सरकार कितनी उत्साहित है या उसे कितना प्रोत्साहित करना चाहती है, इस बात की एक और मिसाल हमें 24 मार्च 2023 को जब लोकसभा में बजट पारित हुआ, यानी बजट पर बहस हुई या नहीं हुई, लेकिन फाइनली वित्त मंत्री महोदया ने जब बजट को अपना फाइनल शेप दे दिया और लोकसभा ने उसे पारित किया, तो वित्त मंत्री ने एक और घोषणा करी जिससे न्यू टैक्स रिजीम क्लेम करने वाले करदाताओं को और रिलीफ मिलेगी। ये रिलीफ क्या है, ये रिलीफ से आपको क्या डिफरेंस पड़ेगा आपकी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 23-24 की टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन में, यही बिंदु लेकर के इस छोटे से वीडियो से आपके समक्ष में हाजिर हूं। दोस्तों, ये एडिशनल टैक्स रिलीफ किस प्रकार मिलेगी, इस बात को आपके समक्ष इस टेबल से एक उदाहरण के रूप में रखता हूं। पर उससे पहले आपको ये याद दिलाना चाहूंगा कि भारत सरकार ने प्रस्तावित किया बजट में कि अब जो न्यू टैक्स स्लैब रेट है वो भी चेंज होकर के इस प्रकार होगी कि 0 से 3 लाख तक की इनकम पर नील टैक्स लायबिलिटी, 3 लाख से ऊपर 6 लाख तक की इनकम पर 5%, 6 लाख से ऊपर 9 लाख तक की इनकम पर 10%, 9 लाख से 12 लाख पर 15%, 12 लाख से 15 लाख पर 20% और 15 लाख से ऊपर की इनकम पर 30% टैक्स लायबिलिटी स्लैब रेट में लगेगी। अब उसी मद्देनजर ये बात देखिए कि मैंने यहां पर क्लासिफिकेशन कर लिया बिफोर और आफ्टर सिनारियो में। आफ्टर का मतलब है कि 24 मार्च 2023 को जब बजट पर फाइनल बहस में लोकसभा में वित्त मंत्री महोदया ने क्या रिलीफ दी, उसको तो मैं आफ्टर मेजर मान रहा हूं। उससे पहले के जो प्रावधान थे उसको मैं बिफोर की परिस्थिति मानता हूं। तो उदाहरण रखता हूं आपके सामने कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की 7.5 लाख की ग्रॉस सैलरी इनकम है, उसमें उन्हें 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, क्योंकि अब न्यू स्लैब रेट में भी 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, तो नेट सैलरी इनकम 7 लाख, मैंने सेविंग बैंक का इंटरेस्ट 10,000 और मान लिया उस सज्जन के हाथ में, तो ग्रॉस टोटल इनकम 7,10,000 है। अब चैप्टर 6A के डिडक्शन तो सर कुछ मिलने नहीं है न्यू टैक्स रिजीम में, तो 7,10,000 ही दोस्तों अब टोटल इनकम भी होगी। अब इस टोटल इनकम पर टैक्स लायबिलिटी कितनी बनी, क्योंकि 7 लाख से ऊपर की इनकम हुई, 7 लाख तक की इनकम पर रिबेट मिल रही थी 25,000 की, लेकिन जैसे ही 7,10,000 की इनकम हुई सर, तो 3 लाख तक नील टैक्स लायबिलिटी, 3 लाख से 6 लाख के बीच में 5% यानी 15,000 और 6 लाख से ऊपर 7,10,000 तक 1,10,000 पर टैक्स लायबिलिटी लगी 10% से 11,000, 11,000 प्लस 15,000 टोटल बिकम्स 26,000। इस पर सर 4% सेस और लगा 1,040 रुपए, तो फाइनल टैक्स लायबिलिटी हो गई 27,040 रुपए। अब ये व्यक्ति कह रहे हैं कि साहब मेरी 7 लाख से ऊपर इनकम गई है केवल 10,000 और आपने मेरी टैक्स इनकम तो गई 7 लाख से ऊपर 10,000 और आपने मेरे से टैक्स ले लिया 27,040 रुपए एक्स्ट्रा, तो ये तो अन्याय है। इस अन्याय के आवाज के विरुद्ध है ना, इस अन्याय के विरुद्ध यदि आवाज उठी तो ये कॉन्सेप्ट आया कि साहब मार्जिनल रिलीफ जैसा सरचार्ज के केस में भारत सरकार देती है, क्यों ना न्यू टैक्स रिजीम में रिबेट के संदर्भ में भी वो मार्जिनल रिलीफ दी जाए। हालांकि मेरा भी ये मानना है कि सर ये जो रिलीफ है न केवल न्यू रिजीम में मिलनी चाहिए बल्कि ओल्ड रिजीम में भी मिलनी चाहिए। पर आपको पुनः कह दूं सर कि ये रिलीफ जो मैं यहां डिस्कस कर रहा हूं केवल न्यू टैक्स रिजीम लेने पर ही मिलेगी, और कब मिलेगी, असेसमेंट ईयर 24-25 यानी वित्त वर्ष 23-24 से। अब आफ्टर रिजीम में देखिए दोस्तों क्या हुआ कि 7,10,000 की इनकम टोटल इनकम से टैक्स लायबिलिटी 27,040 है, एडिशनल इनकम कितनी आई 7 लाख से ऊपर की 10,000 आई, ठीक है। तो ये व्यक्ति कह रहा है कि साहब आप ये मेरे पूरे 10,000 ले लो पर 27 तो मत लो। तो सरकार ने उनकी बात मान ली कि ठीक है हम आपसे 10,000 रुपए ले लेते हैं और 17,040 रुपए का आपको बेनिफिट दे देते हैं, रिलीफ दे देते हैं। This is technically called marginal relief. तो ये marginal relief देने की बात 24 मार्च को लोकसभा में हुई बहस में वित्त मंत्री महोदया ने फाइनली घोषित करी, तो ये एक important relief यहां मिलेगी। एक और बात का उत्तर यहां देना चाहूंगा कि आपका क्वेश्चन होगा कि अनुप जी फिर कितनी इनकम तक ये रिलीफ हमें मिलती रहेगी, तो उसका मैं सीधा सा फॉर्मूला ये दूंगा कि जब तक आपकी टैक्स लायबिलिटी 7 लाख से ऊपर इनकम होने पर, जब तक आपकी टैक्स लायबिलिटी 7 लाख से ऊपर होने वाली इनकम पर आपके एडिशनल टैक्स जो 7 लाख से ऊपर होने की वजह से बन रहा है उससे कम रहेगी, तब तक आपको रिलीफ मिलेगी। और जैसे ही आपकी एडिशनल इनकम 7 लाख से ऊपर की वो एडिशनल टैक्स से ऊपर चली जाएगी तो आपको वो एडिशनल रिलीफ यानी मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगी। ये एक कॉन्सेप्चुअल बात मैंने यहां पर आपसे डिस्कस की।
अब दोस्तों तीन छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इस रिलीफ से संबंधित हैं आपके समक्ष रखता हूं। दिस रिलीफ विल बी अवेलेबल फ्रॉम विच ईयर और विल बी अलाउबल फ्रॉम विच ईयर। तो मैं पुनः आपको बोलना चाहूंगा कि सर वित्त वर्ष 2023-24 और असेसमेंट ईयर 2024-25 कॉरेस्पॉन्डिंगली वहां से ये रिलीफ मिलेगी। यानी जो करंट फाइनेंशियल ईयर खत्म होने जा रहा है 31 मार्च 2023 को, उसके लिए मार्जिनल रिलीफ का ये कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता। दूसरी बात, विल दिस रिलीफ ऑल्सो बी अवेलेबल अंडर द ओल्ड रिजीम? आंसर इज नो। सर ओल्ड रिजीम में ये रिलीफ ना तो पहले उपलब्ध थी और ना ही वित्त वर्ष 23-24 से दी जाएगी। ये रिलीफ केवल न्यू टैक्स रिजीम में जो लोग अपना टैक्स लायबिलिटी ऑफर करेंगे उन्हीं को मिलेगी। तीसरी बात, हु मे क्लेम दिस रिलीफ? सर दिस रिलीफ विल बी अलाउबल और अवेलेबल टू एन इंडिविजुअल हु इज रेजिडेंट इन इंडिया। इंडिविजुअल हु इज रेजिडेंट इन इंडिया, यानी नॉन रेजिडेंट को ये रिलीफ नहीं मिलेगी, HUF को ये रिलीफ नहीं मिलेगी और अन्य करदाताओं को भी नहीं मिलेगी। केवल एक इंडिविजुअल जो कि इंडिया में रेजिडेंट है उन्हीं को ये रिलीफ दोस्तों मिलेगी। दोस्तों ये छोटा सा डिस्कशन जो मैंने आपके सामने रखा, ये निश्चित रूप से न्यू टैक्स रिजीम को और व्यापक बनाने के लिए या और प्रचारित करने के लिए या जन सामान्य में उसके प्रति एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि हाँ साहब ये ज्यादा बेनिफिशियल है न्यू टैक्स रिजीम, उस दृष्टि से लाई गई रिलीफ है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है इस प्रकार की रिलीफ करदाताओं को उनकी टैक्स लायबिलिटी बचाने में मददगार सिद्ध होगी। सो आई होप आपको ये वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा होगा। आपके कोई प्रश्न हो तो आप लिख सकते हैं, मैं उनका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय।